आप ये समझ सकते हैं कि जरूरत क्यों है, यानी हदीसों को फिल्टर करने की जरूरत क्यों है, जिस वजह से हम नोट को फिल्टर करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि बाजार में कोई आपको नोट पकड़ाए और ये कहे कि भाई ये जाली है, तो क्या हुआ जाली है, नहीं चलेगी हाँ, आप उसे झगड़ा कर सकते हैं, वो तो मुंह पे मार देगा आपके, आप वहां पे कोई लॉजिक आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो जिस तरह से हर मामले में हम असली नकली का फर्क करते हैं, अगर हमें पता चल गया कि मिलावट है तो चौकन्ना रहते हैं हा? और हम छांटबीन के सौदा करते हैं, तो ये तो दीन का मसला है मेरे भाई, ईमान का मसला है। इसमें तो और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम असली और नकली का फ़र्क करें। बहुत सारी दुकान पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा टार्च लिए बैठा रहता है, गले पे जो बैठता है, ज़रा सा शक होता है किसी नोट पे, ऐसे मार के देखता है असली की नकली, कहीं से ठोक बजा के फूक फूक के पैसा लेता है। लेकिन हदीस ऐसे नहीं लेगा, ठोक बजा के कोई भी सुना दे मान लेगा उसको। तो पैसे की अहमियत उसके दिल में, इसलिए वो जानता है कि एक्सेप्ट करने से पहले ठोक बजाता है कि वाकई ये सही कि नहीं, तभी लेता है। लेकिन हदीस कोई भी अल्लम गलम सुना के चला गया ले लेता उसको नहीं। जैसे हम पैसों के मामले में असली नकली जब हम जान गए कि इसमें असली नकली दोनों है, तो हम चौकन्ना रहते हैं हा? हम सतर्क रहते हैं कि कोई नकली नोट ना हमको थमा दे। और कितना भी आदमी होशियार हो, नेक हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, नोट के बारे में धोखा खा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई 40 साल का 50 साल का है तो उसको कोई किसी से धोखा नहीं कर सकता। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताबो सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जजाकल्लाहु खैरन।